राजधानी रायपुर से ठगी का मामला सामने आया है, जहां अंधविश्वास के चलते एक महिला को 75 लाख का चूना लगाया गया है। बता दें कि पुरानी बस्ती निवासी 52 वर्षीय महिला धोखाधड़ी का शिकार हुई है, जहां आरोपी ने महिला से रकम और जेवर दोगुना करने का झांसा देकर 75 लाख से अधिक के जेवर और नकदी उड़ा लिए। आपको बता दें कि पुरानी बस्ती पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार महिला की मुलाकात उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आशुतोष और आरती से हुई थी। वहीं दोनों ने महिला को रकम और जेवर दोगुना करने का झांसा देकर 75 लाख से अधिक के जेवर और नकदी उड़ा लिए। उज्जैन में मुलाकात होने के बाद दोनों आरोपी उज्जैन से रायपुर महिला के घर आए थे, जहां जेवर नकदी को लाल कपड़े में बांध दोगुना होने का झांसा देकर अलमारी में एक महीने के लिए रखवाया। बंद लाल कपड़े को एक महीने बाद खोला गया तो महिला के होश उड़ गए, उसमें से नकदी और जेवर गायब मिले। वहीं पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी करने की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। एक कुशालपुर की प्रार्थिया है जो मलसाय तालाब के पास रहती है, कुशालपुर मलसाय तालाब के पास, वो आकर एक लिखित शिकायत दन पत्र दी है कि आशुतोष और आरती पाटिल नाम के व्यक्ति हैं, जो इनको उज्जैन में मिले और उज्जैन में मिलके इनके साथ परिचय हुआ, फिर उसके बाद घर आए। घर आकर इनको बोले कि कुछ ग्रह नक्षत्र या कुछ साया है आप लोग के यहाँ, ठीक नहीं है, वो सोने जो भी जेवरात हैं और पैसा है उसको लाल कपड़े में बांध के अलमारी में डाल दो और हमको जितना पैसा दोगे आप उसको दुगुना करेंगे बोल के ठगी की है उनके साथ।